सबसे बड़ी वजह है लापरवाही। जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था, जितनी टीमें यहां पर थीं, क्या उनके अंदर दक्षता थी इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन को करने की, क्या वो तैयार थे, क्या उनके पास आधुनिक तकनीक और उस तरह की अत्याधुनिक मशीनें थीं, उसका जवाब है नहीं। क्योंकि जब जिस तरह से ऑगर मशीन अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे तो एक छोटी सी मशीन होती है जिससे जमीन में आप मलबा निकालते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। लेकिन जब उसका जायंट वर्जन होता है, यानी बहुत बड़ा, और ऑगर मशीन दिखाने के लिए आपको मैं बाहर एक ट्रक रखा है, उसमें एक हरा हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, इससे आप समझेंगे कि ये है वो ऑगर मशीन। अब इसी ऑगर मशीन को मलबे के भीतर मशीन के जरिए, इसकी मशीन जो है जो इसको हैंडल करेगी वो बहुत बड़ी होगी, वो ब्लेड की तरह अंदर जाएगी, ऑगर मशीन घूमेगी और मलबे को बाहर निकालेगी। तो इसी के साथ साथ बड़ी ट्यूब 800 मिलीमीटर से लेकर के 900 मिलीमीटर एक बड़ी ट्यूब होगी, और ट्यूब को आप समझिए कि एक मोटी पाइप जिसके अंदर आदमी आर पार आ जा सकता है, मलबा निकलते जाएगा, पाइप भीतर जाएगा और तब उन मजदूरों को एक एक करके उसमें से निकाला जाएगा। लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है, क्योंकि छोटी ऑगर मशीनें थी, दूसरी मशीनों से ड्रिलिंग की जा रही थी इसके अंदर, उस मलबे के भीतर संभवतः आप बाहर जितनी मशीनें देख सकते हैं ऐसी कई सारी मशीनें अंदर काम कर रही थीं। हो सकता है मलबे के भीतर इस तरह की कहीं मशीनें पड़ी हों, कहीं पर आयरन केबल हो, कहीं पर जनरेटर रखा हो, कहीं पर पावर बैकअप रखा हो। अब उसको चीर करके उन धातु की जो बड़ी बड़ी हाथी मशीनें हैं, हाथी नुमा, उनको चीर करके मलबे के उस पार पहुंचना मुश्किल है। और इसीलिए दरअसल परसों रात को जब एक बड़ी मशीन ड्रिल कर रही थी तो उसके ब्लेड में तकनीकी खराबी आ गई, उन्हें नहीं पता शायद अंदर किस चीज से वो टकराई है। उसके बाद बड़ी मशीनों को बुलाने की कवायद करनी पड़ी है। अब कवायद ऐसी हुई है कि जब डिले हो रहा था तब भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली से बड़ी ऑगर मशीनों को यहां उत्तरकाशी में मनाया गया। सिलक्यारा के पास ही एक बड़ा सा रनवे है, 3 जहाज ये सामान लेकर के हरकुलिस विशेष विमानों के जरिए, और फिर अब उनको यहाँ बीती रात लाया गया है। अब लाने के बाद अंदर आपको बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगा क्योंकि धुंधला भी है और दूसरा अंधेरा काफी ज्यादा है, और वहां एक्सपर्ट टीमें भी हैं, वो 200 मीटर लगभग अंदर की तरफ हैं। यहां पर ला करके उनको पहले असेंबलिंग की गई, उनको इंस्टॉल किया गया, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि इसको करने के लिए भी विशेषज्ञ जो टीम है उनकी जरूरत होती है, और अभी राहत बचाव कार्य बेहद धीमा चल रहा है क्योंकि जब तक ये पूरी मशीनें इंस्टॉल नहीं हो जाती, उनकी पाइप की फिटिंग सही नहीं हो जाती। अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें आप मलबे का काफी हिस्सा देख पा रहे हैं। ये बेहद, आप समझ रहे हैं कि हमने पूरी कोशिश की है हमारे सहयोगी मृदुल ने कि आपको वहां पहुंचा सके। देखिए ये बेहद दुर्लभ तस्वीरें हैं, आपको एक एक मजदूर उस मलबे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप ये समझ सकते हैं कि टनल के ऊपर जो मलबा गिरा है वो किस हद तक नीचे आ चुका है, कितना नीचे आ चुका है, और इसके अंदर से आना जाना कितना मुश्किल भरा हो सकता है। तो ये अभियान भी बेहद मुश्किल भरा, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितना महत्वपूर्ण है और इसको करने में कठिनाइयां कितनी आ रही हैं। लेकिन जो मानवीय लापरवाही है उस फैक्टर से इनकार नहीं किया जा सकता। समय रहते अगर मशीनें मंगा ली गई होती, समय रहते अगर तकनीक मुहैया होती तो शायद ये अभियान और तेज हो सकता था। लेकिन हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये अपने कैमरे की आखिरी ताकत लगाते हुए उस हिस्से की है जहां से आगे ये तमाम जो मजदूर हैं वो लगभग 200 मीटर भीतर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप रेंज ये समझिए कि कैमरा लगभग 100 से 120 मीटर अंदर आप देख पा रहे हैं, और उससे भी 50 मीटर अंदर जाने के बाद आपको, लेकिन आपको मलबे की शुरुआत यहीं से दिख जाएगी। ये जो आप ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं जहां कुछ लोग काम कर रहे हैं, इसके ठीक ऊपर जो है मलबा है, और उनके साथ ये जो आप बड़ी मशीनें देख रहे हैं वहां एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और इसी प्लेटफॉर्म पर आप वो तस्वीरें देख रहे हैं ऑगर मशीन की जो ड्रिलिंग का काम करेंगी। अब जब ड्रिलिंग का काम करेंगी तब आप ये समझ पाएंगे कि आखिर उसके बाद जब ये 900 मिलीमीटर लंबी पाइप वहां जाएगी तब उससे कैसे बातचीत की जा सकेगी। लेकिन अभी चुनौती दरअसल ये भी है कि जो बड़ी बड़ी उसमें लगभग 3 से 4 इंच व्यास की जो पाइप थी अंदर, कैसे उसका इस्तेमाल हो रहा है खाना पानी पहुंचाने के लिए, उसी के जरिए वहां पर तमाम रसद पहुंचाई जा रही है, पानी पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि ये अपने आप में चुनौती के अंदर जो लोग हैं वो भूखे ना रहें, कोशिश ये की जा रही है कि उन तक खाना पानी भी पहुंचे और उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहे, क्योंकि वो अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर उनसे कैसे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो, और जब वो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होगा वो कैसे किया जा रहा है आपको दिखाता हूं। बचपन में दरअसल ये खेल हुआ करता था, लेकिन आज वो एक लाइफ लाइन है, और वो लाइफ लाइन है इस तरह की पाइप, ये लगभग 3 से 4 इंच व्यास की पाइप है, और ऐसी पाइप अंदर लगी हुई है, इसी पाइप के जरिए खाना उस पार पहुंचाया जा रहा है, फूड पैकेट, और साथ ही इसी पाइप के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है,
ऑक्सीजन वेंटिलेशन है, अब बातचीत कैसे हो रही है। वो तमाम मजदूर वहां फंसे हुए हैं, लगभग 50-60 मीटर का गैप है। वो यहाँ अपना मुंह इसके पास ला करके बोलते हैं। जब वो बोलते हैं तो जो दूसरे छोर पर रेस्क्यू टीम है वो उनका संदेश सुनती है, उनके घर वालों तक मैसेज पहुंचाना है, बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना क्रिटिकल है। इस तरह की लंबी पाइप, 50 से 60 मीटर लंबी पाइप सुरंग के भीतर मौजूद है। अब इससे जो है मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक अपने आप में जटिलता है, क्योंकि 5 दिन अंधेरे में एक सुरंग में रहना क्लास्ट्रोफोबिया हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। खाने के रूप में आपको जो दिया जा रहा है, क्या वो रेगुलर डाइट है, वो रेगुलर डाइट जैसी तो नहीं हो सकती। इन चुनौतियों के बीच आपको फिर एक बार सुरंग के मुहाने पर लिए चलते हैं उन तस्वीरों के साथ। अब विशेषज्ञों की टीम एक एक करके आना शुरू हो चुकी है कि ऐसी स्थिति में उनसे बचना अपने आप में एक चुनौती है, न सिर्फ रेस्क्यू टीम के लिए बल्कि उन 40 मजदूरों के लिए, वर्करों के लिए जो अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। मानसिक ट्रॉमा सबसे बड़ी चीज है, आपको बहुत हिम्मत चाहिए इसका सामना करने के लिए, क्योंकि इस तरह की परियोजनाओं में खतरा होता है। अब दरअसल करें तो करें कैसे, पहाड़ कमजोर है, भुरभुरी मिट्टी है। जैसे ड्रिलिंग की जाती है, 20 मीटर मलबा निकाला गया, अचानक छत से ढेर सारा मलबा फिर नीचे गिर जाता है। उसे फिर क्लियर करने में रिस्क ये होता है कि अगर ये मलबा हटा, जोखिम हुआ तो कहीं पूरी की पूरी सुरंग न धराशायी हो जाए। ऐसे में दिल्ली में मेट्रो का जाल है, उसके पास विशेषज्ञों की टीम है, उनसे रायशुमारी की जा रही है। रेलवे बड़ी जगहों पर सुरंग बनाता है, उनसे रायशुमारी की जा रही है। और इसके साथ ही एनजीआर की जो टीम है नॉर्वे की, जिसके पास सुरंगों का इस तरह का अनुभव है, उनसे राय विमर्श की जा रही है। साथ ही थाईलैंड में 2018 में जब थाईलैंड में एक आपदा आई थी, वहां बहुत सारे बच्चे फुटबॉलर थे जो एक गुफा में चले गए थे और गुफा में अचानक बाढ़ आ गई थी, उसको एक लंबा चौड़ा ऑपरेशन, एक ऐतिहासिक ऑपरेशन था, जिस टीम ने उसको किया था टनलिंग एक्सपीरियंस, उस एजेंसी से भी संपर्क किया गया और रायशुमारी की जा रही है कि सुरंग के भीतर आखिर अभियान कैसे चलाया जाए।